नरकटियागंज में झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर की गई कार्रवाई। परिजनों के हंगामा पर 5 लोगों को शिकारपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व में भी बच्चा बेचने का वीडियो हुआ था वायरल। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में झोला छाप डॉक्टरों का है भंडार, जहां बार बार गलत इलाज और मौत का होता है खेल। उसके बाद दलालों द्वारा मैनेज का चलता है खेल। प्रशासन द्वारा शिथिलता बरतने एवं कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसे चिकित्सकों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। उसी कड़ी में नरकटियागंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 4 में नीतू सर्जिकल में गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान महिला के आंधी सील दिया था। मरीज की परेशानी होने के बाद नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी किया। इस दौरान अस्पताल के व्यवस्थापक और चिकित्सकों को कमरे में बंधक बनाकर चप्पल से महिलाओं ने खूब पीटा। हालांकि पुलिस के आने पर सभी लोग कमरे से निकले। आक्रोशित लोगों ने उसके दफ्तर का एक शीशा तोड़ दिया। पूछताछ के बाद महिला मरीज को एम्बुलेंस से बेतिया भेजा गया। वहीं पुलिस ने सर अभी तक ऐसे बची है हमारे कहने पर ये लोग वहाँ पे दवाई हम लोग आप तो यहाँ कह रहे हो पानी चढ़ाइए, मेरा स्टाफ आया तो ये कह रहे नहीं चढ़ेगा पानी। आप तो पहले गलती है, आप तो मरीज के डॉक्टर हैं। अभी मेरा स्टाफ आया तो ये कह रहा कि कोई पानी सुई नहीं लगेगा, तब आप तो पहले अपने में डिसाइड कीजिए ना क्या करना है। एकदम कर रहे हैं। सबसे पहला बात है कि जो आया है तो कोई किसी से कहेगा तो है सर, सुबह में भी कहा है अध्यापक प्रमोद कुमार डी के सिंह रंजन कुमार समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर सपना रानी कई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ पहुंची। मरीज को एम्बुलेंस से बेतिया भेजा गया और हॉस्पिटल के 5 कर्मियों को हिरासत में लिया। इसी हॉस्पिटल का पूर्व में भी इस झोला छाप चिकित्सक का बच्चा बेचने का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 9 टाइम्स। अरे हम लोग 5वें महीने में इससे पहले हम लोग आए थे दवा कराने, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग बोले कि ऑपरेशन करा दीजिए ठीक हो। हम लोग ऑपरेशन कराए, बच्चा वाला ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद में इन लोग 5 दिन तक पैखाना पेशाब नहीं हुआ, तो एनिमा इन लोग लगा के पैखाना पेशाब कराए। 9 दिन बाद ये लोग छुट्टी कर दिया, हम लोग घर पे गए। घर पे जाने के बाद में ना खाना पच रहा है ना पानी पच रहा है, पेट फूल जा रहा था। फिर लेके आए दौड़ के यहाँ पे आने के बाद में फिर एनिमा चढ़ा देते थे, पैखाना हो जाता था। फिर लेके गए, फिर 2 दिन बाद फिर लेके आए, फिर तीसरे दिन लेके आए। फिर हम शक हुआ कि कुछ ना कुछ जरूर है, इसलिए पेट फूल जा रहा है, पैखाना खाना पानी नहीं। फिर लेके गए हम हॉस्पिटल में, वहाँ क्या नाम हरनाटा, वहाँ पे किसमोहन राय जाते जाते गाली दे रहा है कि बेंच कौन ऑपरेशन किया है रे, इसका क्या नाम है ऑर्थोडिसी दिया है, इसका जल्दी ऑपरेशन करना होगा, अभी नहीं तो मर जाएगी। तो ये लोग मैनेजर साहब है, इस हॉस्पिटल का कंपाउंडर दोनों जन गया, वो तो मरीज को जबरदस्ती बिना कहे डॉक्टर से उठवा लिया, उठवा के ये लोग डिसेंट हॉस्पिटल गोरखपुर में भर्ती करा दिया। वहाँ पे गया, जिस दिन गया उसी दिन वो लोग ऑपरेशन कर दिया। उस समय वहाँ पे बोला ब्लड, तो हम अपना खुद 2 यूनिट दिए हैं, 2 घंटा में हम ब्लड दिए हैं, ऑपरेशन किया। उसके बाद में वहाँ पे रखने का 13 दिन, तो वहाँ से 4 दिन में छुट्टी करा के पैसा के चलते ही लोग लिया। उसके बाद में आने के बाद में वो पैखाना इधर से करा दिया, तो यहाँ पे पैक लगता था, उसके बाद में लाता था ये लोग, कोई फिर ले जाते थे लोग, वहाँ पे भी लोग मना कर दिया कि मरीज जाएगा तो 1.5 महीना बाद बोलना, बार बार नहीं जाए, पैसा लग रहा है। इसीलिए तो अभी उसका अंतरी बाहर निकल गया, आप देखे हैं जाके वीडियो में, जाके देखिए वहाँ पे इतना एक हाथ का उसका कोई ठीक नहीं है, मर जाएगी कि जिएगी। आई लोग आने के बाद में कुछ समझ नहीं, यहाँ का मैनेजर बोल रहा है तू भाग जा मरीज लेकर, नहीं तो गोली मारवा दे। मैनेजर साहब यहाँ का बोल रहे हैं जिनका नाम है डीके सिंह, और यहाँ पे एक रिंकू सिंह है, वो बोल रहे हैं कि हम 2 लाख रुपया MBBS के दे के कागज बनवा दे, झाँट उखड़ बोलोगे तो नहीं कौन जी बोलोगे। तो मेरा राजकुमार नाम है, उनका भाई है। 112 डायल पर एक पेशेंट भर्ती हुआ था पहले से, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हुआ, उनके बाद इसको लेके चल गए दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती किए, और फिर गोरखपुर ले गए, वहाँ भी इलाज चला, वहाँ से कुछ सुधार हुआ, फिर यहाँ भर्ती किए, तो फिर पेशेंट का पोजिशन खराब है, अभी दवाई चल रहा है। डॉक्टर साहब सब मैनेजर साहब सारा आदमी बताए हुए हैं कि जो भी खर्च होगा हम देंगे, इलाज चलेगा ठीक है।